नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ। सब गहलोत मुर्दाबाद, सब सरकार मुर्दाबाद। साले मोहम्मद मुर्दाबाद। होश में आओ साले मोहम्मद, होश में आओ। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। पूरी हो हमारी मांगे, पूरी हो। आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो। बैठे बैठे आप लोग थोड़ा होना चाहिए। सबका 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 साथ सबका। राजस्थान सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम सबसे पहले संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, उसमें मोस्ट जो शिक्षा विभाग में संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनको नियमित करेंगे, लेकिन सरकार को बने लगभग एक साल होने को आया, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक क्यों नहीं गंजी है। और सरकार ने सिर्फ एक कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी की दो या तीन मीटिंगें हो चुकी है और उस कमेटी ने कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। और इसलिए हमारे में ये रोष है कि सरकार ने जब इलेक्शन दे तब तो वादा किया था कि हम तुरंत नियमित करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद में सरकारें इन चीज़ को भूल जाती है। और हमारी ये मांग है कि हमें नियमितकरण जब तक नहीं होता है तब तक हमारा जो मानदेय है वो कम से कम 23,700 किया जाए, और जो भी अन्य कर्मचारियों को थर्ड ग्रेड के बराबर जो भी उनको वेतन वगैरह मिलते हैं वो सारी सुविधाएं हमें भी दी जाए। तो आज आपने किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया और किसको ज्ञापन दिया? आज हमारा विरोध प्रदर्शन अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन किया गया है, और उसके बाद में हम जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देंगे। और अगर आज भी सरकार के कानों में जो नहीं रंगती है तो कल हम भीख मांगेंगे रोड पर। कल हमारा अगला रहेगा कि हम रोड पर भीख मांगेंगे, वो पैसे होंगे वो मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएंगे और फिर कलेक्टर साहब को ज्ञापन लेंगे। और अगली बार 28 तारीख तक अगर हमारी मांगे नहीं सुनेंगी तो हम जयपुर को कूच करेंगे और उसके बाद बड़ा आंदोलन करेंगे, और उसमें कुछ भी कर सकते हैं और उसकी सारी जवाबदारी राजस्थान सरकार की होगी। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारा तुरंत निदान हो।